तफसीर नईम में एक हिकायत फरमाते हैं कि दुनियावी मिसाल फरमाते हुए कहते हैं कि एक बौली में बकेट डालकर पानी ले दे, बकेट डालकर पानी ऊपर खींच दे, तो दुनिया की मिसाल बौली है और जो पानी ऊपर खींच रहे हैं वो रब तआला हैं, मालिक है, और वो जिससे पानी निकाल रहे हैं वो बकेट इंसान है, और वो बकेट एक रस्सी से बनी है, कनेक्ट कर रही है मालिक को और मतलब बकेट को कनेक्ट कर रही है। तो एक रस्सी से बनी है जो बकेट, उसके दो सिरे हैं जिससे कनेक्शन पैदा हो रहा है, एक मालिक के पास और एक बकेट को बन दिया जाता है। तो जो रस्सी है जो कनेक्शन पैदा कर रही है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पानी है वो इबादत है, और उस बौली में पानी के अंदर जो कीचड़ कंजाल होता है वो कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है। तो जब बकेट रस्सी से टूटती है तो कीचड़ में चला जाती है वो बकेट, और जब तक वो बकेट रस्सी से कनेक्टेड है वो पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाती है, तो जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामन जुड़े रहेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लेता है वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो मकसद से उसे पैदा किया है उससे वो पूरा कर देता है, और जो दामन छोड़ देता है वो कुफ्र शिर्क निफाक में मुब्तला हो जाता है और गुनाहों की ज़िंदगी गुजारता है। तो ये तफसीर नईम में दुनियावी मिसाल फरमा के हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ देंगे तो हम नाकाम रहेंगे, हम गुनाहों की ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर हम उनकी दामन को थाम लेंगे तो हम रब तआला तक पहुँच जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए औलिया अल्लाह ज़ात का डेफिनेशन फरमा दें, क्या फरमाते हैं, देखिए मर्जाए अस्मा और सिफात, अस्मा यानी नाम और सिफात लौटते हैं जहां पर वहां एक ज़ात होती है। अब सिफात देखिए, सिफात यानी कमालाते ज़ात, जो ज़ात का कमाल होते हैं वो सिफात हैं। अब आफाल देखिए, आफाल यानी ज़हूरे कमालाते ज़ात, जो कमाल ज़हूर होते हैं। अब देखिए आसार, जायज़ ज़हूरे कमालाते ज़ात, जिस जगह पर वो कमाल ज़हूर होते हैं। ये चार एतबार को डिटेली डिफाइन किया जा रहा है। देखिए तौहीद में क्या है, तौहीद इस्मी यानी आसार में शिर्क, आसार में शिर्क यानी अल्लाह के सिवा किसी गैर को माबूद बिज़ात जानना, जो मतलब ज़ाती मालिक जिसको समझते हैं वो शिर्क है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, जो हम दुनिया में माबूद बना लिए हैं ये शिर्क करना है, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद बेजात जान रहे हैं हम। तो तौहीद क्या सिखा रहा है, तौहीद क्या है, माबूद यानी अल्लाह ताला को बेजात जानना है, माबूद जानना है कि अल्लाह ताला ही इलाह है, अल्लाह ताला ही हमारे सारे हाजतों को पूरी करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही हमारी परवरिश करने वाले हैं। देखिए आप कुरान से समझते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 257, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त और मददगार है। देखिए जो ईमान ला लेते हैं, जो ईमान वाले हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसके दोस्त है, दोस्त भी है और मददगार भी है। और आगे फरमाते हैं, और उन्हें कुफ्र की तारीकियों से निकालकर इस्लाम की रोशनी में लाते हैं, और जो कुफ्र है उनका दोस्त शैतान है, वो उन्हें हिदायत की रोशनी से निकालकर गुमराही की तारीकियों में ले जाता है, यही लोग दोजख वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ईमान वालों के अल्लाह ताला दोस्त है और मददगार है, और उन लोगों को अल्लाह ताला कुफ्र की मतलब गुनाहों की तारीकियों से निकालकर इस्लाम की रोशनी में लाते हैं, और जो काफिर होते हैं उनका दोस्त शैतान है, वो उन्हें हिदायत की रोशनी से, जो शैतान होता है हिदायत की रोशनी से निकालकर गुमराही पे ले जाता है, और ये लोग ही दोजख में हमेशा रहने वाले हैं।
जो शैतान के पीछे शैतान के रास्ते पर चलते हैं। सूरह यूसुफ आयत 105-108। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तर्जुमा, और देखो आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर लोग गुजरते हैं मगर वो उनकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आसमान और ज़मीन में बहुत सारी निशानियां हैं जिनसे लोग गुजरते तो हैं लेकिन मुंह फेर लेते हैं, और आगे फरमाते हैं और उनमें अक्सर लोग जो अल्लाह को मानते हैं तो इस मानते भी हैं तो इस तरह से उसके साथ शिर्क भी करते हैं। देखिए जो लोग अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क भी करते हैं, और आगे फरमाते हैं क्या ये लोग इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह की तरफ से कोई छा जाने वाला उन पर अजाब आ पड़ेगा या अचानक उन पर क़यामत आ जाए और उनको खबर भी नहीं ना हो। देखिए अल्लाह ताला जो शिर्क करते हैं उनको कह रहे हैं क्या ये लोग अल्लाह ताला की इस बात से बेखौफ है, अल्लाह ताला की तरफ से अगर छा जाने वाला उन पर अजाब आ जाएगा या क़यामत आ जाएगी उनको खबर भी नहीं होगी, क्या ये लोग बेखौफ हैं। और आगे फरमाते हैं ए पैगंबर इनसे कह दो कि ये मेरे रास्ते रास्ता है, मैं समझ बूझ कर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और जो लोग मेरे ताबे हैं वो भी इसी तरह बुलाते हैं, और अल्लाह पाक है मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए हबीब कह दीजिए इनसे कि ये मेरा रास्ता है, यानी ईमान का रास्ता ही मेरा रास्ता है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ बूझ कर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ईमान की दावत देते हैं, जो लोग मेरे ताबे हैं यानी जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामे हैं वो भी अल्लाह की तरफ लोग दूसरे लोगों को दावत देते हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए कह रहे हैं कि कह दो इन्हें मैं शिर्क करने वालों में से हरगिज़ नहीं हूँ। सूरे मोमिनून आयत 91। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तर्जुमा, अल्लाह ने तो किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह ना तो किसी को बेटा बनाया और ना उसके साथ कोई और माबूद है। देखिए अल्लाह ताला ने ना किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह ताला पाक है हर चीज़ से, और ना उसके ना किसी और माबूद ना किसी और को माबूद बनाया है अल्लाह ताला ने। और आगे फरमाते हैं अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपने मखलूक को लेकर अलग अलग चल देता और एक दूसरे पर चढ़ाई कर दे। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा होता कोई और माबूद होता तो वो अपने अपने मखलूक को लेकर चल देते अलग अलग और एक दूसरे यानी लड़ाई करते एक दूसरे पर एक दूसरे से लड़ाई करते। आगे फरमाते हैं अल्लाह इन बातों से पाक हैं जो ये लोग उसके बारे में बयान करते हैं। देखिए अल्लाह ताला इस सब चीज़ों से मतलब हर चीज़ से पाक है, जो ऐसा बयान करते हैं वो गुनाहगार है लोग। सूरह नज्म आयत 19-25। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तर्जुमा, भला तुमने लात और उज्जा और तीसरे मुनात को मुनात का हाल गौर किया है, क्या तुम्हारे लिए तो बेटा तजवीज़ हो और अल्लाह के लिए बेटियाँ, ये तकसीम तो बहुत ही बेढंगी है। तो देखिए जो बना लिए थे माबूद कुफारे मक्का लात उज्जा मुनात, वो लोग कहने लगे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ऐसे गलत बात करने लगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो बना ये बातें जो बोल रहे हैं ये लोग, ये जो तकसीम वो बहुत ही बेढंगी है। आगे फरमाते हैं ये तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुम और तुम्हारे बाप दादा घर लिए हैं, अल्लाह ने तो कोई सनत नाजिल नहीं किया अल्लाह ने तो कोई सनत नाजिल नहीं की, ये लोग महज गुमान और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चल रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये सिर्फ नाम ही नाम है जो ये मतलब जो अफवाह फैला रहे हैं, ये नाम ही नाम है जो उनके बाप दादा घर लिए है वही ये लोग बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ने तो कोई सनत नाजिल नहीं की, ये लोग गुमान और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चल रहे हैं। फिर आगे फरमाते हैं हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है, क्या इंसान जिस चीज़ की आरजू करता है वो उससे ज़रूर मिलता है,
बस आखिरत और दुनिया अल्लाह के इख्तियार में है। तो देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके पास हिदायत आ चुकी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह पर। इंसान जिस चीज़ की आरज़ू करता है वो उसे ज़रूर मिलती है, अल्लाह उसे दे देता है, बस आखिरत और दुनिया का इख्तियार अल्लाह के पास है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक है। सूरह बय्यिना आयत 7 और 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए नेक अमल करते रहें वो मखलूक में सबसे बेहतर है। देखिए जो ईमान ला के नेक अमल करते रहते हैं वो मखलूक के सबसे बेहतर इंसान हैं, बेहतरीन बंदे हैं, उनकी मखलूक में सबसे बेहतर है। और आगे फरमाते हैं उनके बदले उनके परवरदिगार के पास हमेशा रहने का बाग है, जिनके नीचे नहरें बह रही है, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे खुश रहेगा, वो अल्लाह से खुश रहेंगे, ये सिला इसलिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं। तो देखिए जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहते वो मखलूक में सबसे बेहतर है, और उनका बदला ये जो नेक अमल करते रहते हैं वो लोग को अल्लाह ताला ही बदला देने वाले हैं, कि एक बाग है जिसके नीचे नहरें बह रही है, उनमें वो लोग हमेशा रहेंगे और वो उनसे खुश रहेंगे, अल्लाह ताला भी उनसे खुश रहेगा, ये सिला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपने परवरदिगार से डरते हैं। ईमान लाए वो देखते हैं कि अल्लाह ताला किस चीज़ से नाराज़ है, वो चीज़ कभी नहीं करेंगे, और जिस चीज़ से अल्लाह ताला खुश है वो चीज़ करेंगे। तफसीर नईमी में फरमाते हैं दो तरीके के ईमान होते हैं, कि एक है रस्मी ईमान, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए कर लेते हैं, मतलब ज़ुबान से पढ़ लेना सिर्फ कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल से कोई तस्दीक नहीं होती है, और उसके बाद थोड़े बहुत अमल कर लेना, ये रस्मी ईमान है। और एक है हकीकी ईमान, यानी ज़ुबान से इकरार करते हैं और दिल से तस्दीक भी होती है। जो हकीकी ईमान वाले होते हैं उनके दिल पर कब्ज़ा अल्लाह का होता है, और रस्मी ईमान वालों के दिल पर शैतान का कब्ज़ा होता है, और हकीकी ईमान वालों के ताल्लुक खाली रब से होता है, और रस्मी ईमान इन वालों का ताल्लुक शहवत से, ख्वाहिशात से, दुनिया से होता है। हकीकी ईमान वालों वाला अपने रब को राज़ी करने में लगा हुआ है, और रस्मी ईमान वाला दुनिया को, इनको अगर मेरे से खुश हो गए तो ये मिलेगा, रस्मी ईमान वाला दुनिया को खुश करने में लगा हुआ है। ईमाने हकीकी वालों के दिल को फरिश्ते घेरे हुए होते हैं, हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है उनके दिल पर, और रस्मी ईमान वाले होते हैं ना जो, वो शैतान उनके दिल को घेरा होता है हर वक्त, लानत बरसती होती है उनकी, अल्लाह की लानत बरसती होती है उनके दिल पर। तो हमें क्या है, हकीकी ईमान लाना है, ज़ुबान से इकरार भी करना है, दिल से तस्दीक करना है, पहले इनकार करना है फिर इकरार करना है, ला से इनकार फिर इला से इकरार करना है। जो हम मखलूक हमारे दिल में हैं, जो ख्वाहिशात, जो भी माबूद हम बना लिए हैं, उसका इनकार करना है परमानेंट, अल्लाह ताला को इला जाना है, कोई जो है ना अल्लाह ताला को माबूद बेजात जाना है हमें, यही तौहीद का मकसद है, यही कलीमे का मकसद है। अगर हम किसी गैर को माबूद बेजात जान रहे हैं, ज़ाती मालिक बना लिए हैं उसे, तो हम शिर्क कर रहे हैं। तो हमें शिर्क से हटकर हमें अपने अंदर ईमान लाके अपने दिल को पाक करना है, तभी हम शिर्क से पाक होंगे, कुफ्र से पाक होंगे, निफाक से पाक होंगे। और आज हम क्या सीखें, 4 एतबारात इला, इससे हम माबूद को पहचानेंगे। पहला क्या है, ज़ात, खुद से कायम होना। दूसरा है सिफात, कामिल होना। तीसरा है अफाल, अल्लाह ताला मुख्तार होना, और आसार, सारे जहां का मालिक होना। तो ये जिसके अंदर है वो इलाह है, ये 4 को हम एतबारात इला कहते हैं, और ये 4 एतबारात इला यानी ये अल्लाह ताला को माबूद बेजात जाना, अल्लाह ताला ही इला है, ये यही हमें सिखाते हैं, यही
हम सीखे हैं। देखिए हुजूर गौसुस अकलैन रज़िल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असल माल क्या है? असल माल दीन है, और जो उसका मुनाफा है वो है नेका माल। देखिए हुजूर गौसुस अकलैन रज़िल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असल माल क्या है? दीन है असल माल, और उसका मुनाफा नेका माल है। इल्मे दीन क्या है ना, नेका माल को आसानी, नेका माल करने में आसानी होती है जब इल्मे दीन हासिल होता है हमें। जब बंदे का दिल में, आप फरमाते हैं, जब बंदे के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है ना, तो तखवा जो है ना, जो तखवा आ जाता है उसके दिल में, उस वो आहिस्ते आहिस्ते चले जाते रहता है। और असल जाकिर वो है जो दिल से अल्लाह का जिक्र करता है। तो देखिए हुजूर गौसुस अकलैन रज़िल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असल माल क्या है? दीन है, दीन की समझ बूझ हासिल करना, और उसका मुनाफा क्या है? नेक अमल। अगर हम दिल में दीन हासिल कर लेंगे तो हम जो नेक अमल करेंगे उसमें आसानी होगी। और दुनिया, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है तो उसके अंदर जो तखवा आ जाता है वो आस्ते आस्ते चले जाते रहते हैं। और जो अल्लाह का जिक्र करता है वो असल दिल से, वो असल जाकिर है। तो आज हम ये क्या सीखे, अल्लाह ताला को माबूद बेजात जाना है, किसी गैर को माबूद बना लिए तो हम शिर्क कर रहे हैं। और एतबारते इला कितने हैं? चार है, जात, सिफात, आसार, अफाल। ये चार एतबारते इला जिसमें हैं वो माबूद है, यानी हम ये सीखे हैं ये चार चीज़ों से कि अल्लाह ताला ही इला है, कि अल्लाह ताला ही हमारी परवरिश करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही हमारे मालिक हैं। जिक्र हमेशा करते रहना चाहिए, इससे हमारे दिन में अल्लाह ताला के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा होते रहेगी, और अपने ईमान की हर रोज़ तजदीद करते रहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला बस हम सबको अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाहा वमलाइकातहु वसल्लूना अला नबी याहियल्लज़ीना आमनू वसल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।